रास्ते से आकाशगढ़ चले जाओ। ये मेरा काम है, मैं खुद ही निपट लूंगा। मगर सरदार, हम आपको किस तरह अकेला छोड़ सकते हैं? आपकी जान का खतरा है। मेरी फिक्र मत करो, जान की बाजी जान से खेलना एक भील के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। समय बीता जा रहा है, जल्दी करो। जाओ मेरे दोस्तों, देवी ने चाहे तो जीत हमारी होगी। जाओ। शक्रिया भील, हजरपुर की बरादरी से बाकायदा बाहर निकाला गया था, फिर भी यहाँ आने की हिम्मत की है इसने। मुझे बाहर निकालने वाले तुम कौन हो? अरे जानता नहीं, हमारे सरकार हजरपुर के मालिक है। मालिक हमें माने खानदान से कोई वास्ता नहीं, हमारे मालिक तो भुजवा महाराज है। He seems to be very desperate. So he does. तुम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, वरना बड़ा होगा। सुपरिटेंडेंट साहब, सीधी उंगली घी नहीं निकलेगा, चला दो ना गोली। रंभा जी, मैंने तुम्हारे बेटे के सामने कसम खाई है। कसम? कैसी कसम? वो ये कि माने खानदान के किसी भी आदमी ने आकर यहाँ कदम रखा, वो देवी के चरणों की भेंट होकर ही रहेगा। तैयार हो जाओ मरने के लिए। क्या कर रहे हो तुम? अरे बाप रे, का यार कहीं का मर्द है तो सामने आ जा। सुब्रन साहब, ये पागल मेरी जान लेकर रहेगा, इसका कुछ जल्दी उपाय कीजिए। मैं तुम्हें तो भी नहीं देता हूँ जब तक मार जाओ। ठीक फरमाया, रंभा जी का इस दुनिया में रहने का वक्त गुजर चुका। ऊपर जाता हूं, तुम बिल के तलाश में जाओ। वेरी गुड सर। चलो टहलते इन बिचारी टांगों को चुमर निकल गया और आंखें पथरा दी।
दिल बैठने लगा, दम घुटने लगा। बातें बनाना तो कोई तुम मर्दों से सीखे। देखो, दो घड़ी के लिए तो तुम यहाँ आती हो, और वो भी बहस करने के लिए। बहस मैं कर रही हूँ तुम? काश भगवान तुम मर्दों को सिर्फ एक दिन के लिए औरत बना दे, तब पता चले। फर्ज करो भगवान ने तुम्हारी बात मान ली तो क्या करोगे तुम? वो गिन गिन के बदले लूंगी कि तब ये साथ हो जाएगी तुम्हारी। तो अब कौन सी कसर उठा रखी है? जिसे इंतजार करना पड़ता है वही जानता है। इंतजार में जो मजा है वो भला मिला आपने कहा। अच्छा जी, तो आप इंतजार का मजा उठाइए और मैं ये चला। नमस्ते। मेरे दिल की नगरिया में आना ना के जाना, मलंग पर देसिया दिल तड़पाए मोहे चैन लाए मोहे एक झलक दिखलाना दिखलाना। मेरे दिल की नगरिया में आना ना के जाना, मलंग पर देसिया दिल तड़पाए मोहे चैन लाए मोहे एक झलक दिखलाना दिखलाना। मोहब्बत अपने पिता की मुखालफत के सामने झुक तो ना जाएगी? नहीं सुन, मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं जो किसी भी मुखालफत के सामने झुक जाए। क्या देख रहे हैं आप? मैं देख रहा हूं कि कौन इन फूलों पर अपनी सुंदरता की रोशनी डालकर इनको खूबसूरत बना रहा है। कौन है वो?
तुम नहीं जान सकती। आप महाशय तो जान गए ना? कुछ क्यों नहीं सा? तो फिर हमें ही बता दीजिए। इन सब के सामने अभी जल गए तो क्या हुआ? अपनी जान जलाएंगे, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? तो फिर बता दो। अब हम नहीं पूछते। अरे सुन छोड़ दीजिए। हम नहीं बोलते आपसे। सुन, अरे पगली, मेरी सोनी किसी और कौन हो सकता है? झूठे कहेंगे। यकीन नहीं आता? नहीं? अच्छा तो पूछ इस फूल से। ये तो यही कहेगा कि कांटों से बचकर रहना, वरना मैं खून पीकर छोड़ूंगा। बच्चा को नहीं, अच्छी नहीं। सो तुझे क्या हुआ? आनंद को आए हुए भी कितने दिन हुए? जल्दी बात पक्की करोगे या उसके लिए भी मंगल ज्योति को बुलाना होगा? अरे तो बिगड़ती क्यों है, आजकल मैं कर लूंगा। मास्टर जी, कल आपने एक शेर सुनाया था ना? कौन सा शेर? वही मजा बारिश का घर चाहू मेरी आंखों में आ बैठकर। माँ, ये क्या मीठी मीठी बातें हो रही है? जी कोई खास बात तो नहीं है, मैं तो ये कह रहा था कि आज का दिन बहुत अच्छा है। दिन तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये तो बताओ कि वो शुभ दिन कब आएगा? कौन सा शुभ दिन? माँ बड़ी नादान है तुम्हारी दादी, तुम्हें समझाओ ना। समझा दूंगा, आखिर ऐसी जल्दी भी क्या है? माँ तुम्हें बताओ ना, आखिर किस बात की जल्दी है? जबकि तुम दोनों के हाथ पीले होंगे, फेरे पड़ेंगे और तुम दोनों ईश्वर और दुनिया की नजर में एक हो जाओगे। अरे आपकी कोई बात नहीं डाली, लेकिन मैं जानबूझकर सोनी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। सोनी राय से मोहब्बत करती है, फिर किस तरह मैं उसके साथ शादी कर सकता हूँ? सोनी का ब्याह राय से कभी नहीं हो सकता, वो हमारे दुश्मन का लड़का है। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। हाँ माँ, अगर सोनी का ब्याह राय के साथ हो जाए तो मुमकिन है कि सदियों का बैर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तुम्हारी तो मत मारी गई है, ऐसे बच्चेलन के हाथ में किस तरह हम सोनी का हाथ दे सकते हैं? राय कितना ही बुरा सही, लेकिन सोनी की पाक मोहब्बत उसको सीधे रास्ते पर डाल सकती है। हम तैयार भी हो जाएं, लेकिन रंबा जी कभी नहीं मानेगा। इसका पता भी चल जाएगा, रंबा जी के दिल में राय के लिए बेहद मोहब्बत है। लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? मैं खुद रंबा जी के पास जाता हूँ। एक तरफ बेटे की मोहब्बत है और दूसरी तरफ जन्म जन्म का पैर, देखता हूं इस कश्मकश में किसकी हार होती है और किसकी जीत। राम प्रभु की माया, भुजबा महाराज पधारे, न जाने आज चांद किधर निकल आया।
आइए आइए, मेरे तो भाग जाग गए। भगवान करे हम सब के भाग जाग जाए। आप महाशय की बातें जरा ऊंची किस्म की होती है। किसी रखिए, मेरी समझ में तो आज तक ना आई। जो बात तुम्हारी समझ में नहीं आई वो राया कब का समझ चुका। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? मैं राया और सोने की खुशी की भीख मांगने आया हूं। मैं चाहता हूं इन दोनों का ब्याह हो जाए। ब्याह? मेरे लाडले का ब्याह तुम्हारी छोकरी के साथ? भुजबा, पहली मर्तबा सजलपुर के पेशवा के घर आए हो ऐसी बेहुदा बातें सुनाने के लिए? मैं कोई बेहुदा बात नहीं कर रहा हूं। अगर सोनी और राया की मोहब्बत पाक है तो हमारा पुराना झगड़ा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और इसका पुण्य तुम्हारे नसीब होगा। पाप और पुण्य की आड़ लेकर अपनी छोकरी को मेरे लाल के सर मारना चाहते हो? मुझ पर गुस्सा होने से पहले अपने बेटे से क्यों नहीं पूछ लेते? राया मेरा बेटा है, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। या तुम तो कभी सोनी जैसी छोकरी से मोहब्बत नहीं कर सकता। बस कीजिए विदाई। ये सच कह रहे हैं, मैं सोनी से मोहब्बत करता हूं। राया तू पागल तो नहीं हो गया? मैं पागल था, अब होश में आया हूं। सोनी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। पिताजी, सोनी को अपनी बहू बनाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा? अगर ज्यादा जबान चलाई तो इसी हंटर से तेरी खाल उदेर दूंगा। धीरे धीरे महाराज, बाप बेटे के बीच में बोलने वाला तू कौन? राया, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, एक न एक दिन तो सजलपुर का मालिक बनेगा। माने खानदान की इज्जत और सजलपुर की बागडोर तेरे हाथ में होगी। क्या ये सब कुछ तू धूल में मिला देना चाहता है? नहीं तो फिर सोनी से हाथ उठा ले। और कुछ मांग लीजिए पिताजी, मैं अब सोनी को धोखा नहीं दे सकता। अगर तूने सोनी का ख्याल दिल से ना निकाला तो खुद इस घर से निकाल दिया जाए हमेशा के लिए। जैसे आपकी मर्जी। राय, जो तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं वही तुम्हें करना चाहिए, यही तुम्हारा धर्म है। मैं दो घरानों का झगड़ा मिटाने आया था, न तो बढ़ाने। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं भी ये शादी नहीं होने दूंगा। लेकिन इतना याद रहे रंबाजी कि भगवान की भेजी हुई देन को आज तुमने ठुकरा दिया है, एक न एक दिन जरूर पछताओगे। जो पर्दा आपने मेरी आंखों पर डाला था वो भुजबा महाराज ने आज हटा दिया। एक दुश्मन की बातों में तो पल भर में आ गया, लेकिन बाप की मोहब्बत का ख्याल तक न रहा। मोहब्बत? जिसने अपना सारा जीवन खुद गर्दी में बिताया हो वो क्या जाने मोहब्बत क्या है? क्या मैंने तेरे फायदे के लिए कुछ भी नहीं किया? आपने जो कुछ किया अपने फायदे के लिए किया, मेरे लिए कुछ नहीं। राया, अपनी हुकूमत जताने के लिए किया, मेरा सुख बढ़ाने के लिए नहीं। अपना बराबर खारिज करने के लिए किया, मेरी आशा पूरी करने के लिए नहीं। तुम्हारे खानदान की इज्जत का नीलाम करना चाहता है। खानदान की इज्जत? आज मुझे मालूम हुआ कि इज्जत दौलत से नहीं मोहब्बत से खरीदी जाती है। मेरी सारी जिंदगी का एक ही मकसद था और वो था मेरे बेटे का सुख। आज वो सब मेरी आंखों के सामने लूट लिया गया, लेकिन ये मैं नहीं होने दूंगा। यही तो मैं कह रहा हूं सरकार। लेकिन किया क्या जाए,
सोनी है ना सरदार, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। राम प्रभु की माय। अब क्या करना चाहिए? सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हारे पापा से लेकर ब्याह कर ले। अब वो कभी ना मानेंगे। फिर अगर तुम मेरे लिए अपना घर छोड़ सकते हो तो क्या तुम ये समझते हो कि मैं यूं ही खामोश बैठी रहूंगी? तुम मेरे लिए अपना घर छोड़ोगी? हाँ राया, अब तुम्हारे बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगी ये तुम्हें सोच भी नहीं सकती। हो सकता है हमारे अंदर दुख ज्यादा और सुख कम मिले, तो मैं अपनी मोहब्बत से उंग घूम। ठहरो, ये क्या हो रहा है? ये तो राया और मधुमा लड़ रहे हैं, जल्दी चलो। Stop it, I say. Stop it at once. Raya. इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो हमारी सरकार मेरी गर्दन मरोड़ देंगे। क्या बात का है? साफ साफ कहो। यही तो मैं कह रहा हूँ सरकार, मैं तो बड़े सरकार के हुक्म की तामील कर रहा था, छोटे सरकार सोनी को भगा ले जा रहे हैं। नहीं, ये झूठ है। बदमाश, मैं झूठ बोल रहा हूँ? तूने इसकी इज्जत पर हमला किया? Stop it, I say. Stop it. दिमाग से काम लो राया, मेरे साथ अपने पिताजी के पास चलो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं कभी उनके पास नहीं जाऊंगा, मैं लड़कर घर छोड़ आया हूँ हमेशा के लिए। सुना आपने इंस्पेक्टर साहब? राया, तुम्हारे पिता इस गांव का मालिक है, मेरे साथ कह रहा हूँ। नहीं, अब मुझे उनके पास कोई नहीं ले जा सकता है। चलो सुन राया। कानून की नजरों में मैं मजबूरन मुजरिम बन चुका हूँ, आज नहीं तो कल मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। कानून तुम्हें चाहे कुछ समझे, लेकिन मेरी नजरों में तो तुम बेगुनाह हो, अब मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगी। सुनी, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। सरकार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
देखा है ना पुलिस हमारे पीछे कर, यहाँ से भाग जाओ। क्यों, क्या हुआ और ये कौन है? ये मुझसे बता दूंगा, चलो तो सही, चलो चलो चलो। अच्छा तो इसी लड़की ने तुम्हें मुझसे छीना है, इसी की मोहब्बत हम दोनों के दरमियान दीवार बनकर रह गई है। अरे सोनी की सच्ची मोहब्बत ने मुझे इंसान बना दिया। इंसान बना दिया? इसी डायन के खातिर तुमने खून किया, घर छोड़ा, मुझे छोड़ा, और आज रायना, रायना उसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? ये तो मेरी किस्मत का चक्कर है। मैं नहीं मानती किस्मत को, इंसान खुद अपनी किस्मत को बनाता या बिगाड़ता है, और आज मैं अपनी किस्मत को इन हाथों से बनाऊंगी। ये ताबीज तुम्हें कहां से मिला? जल्दी बोलो, ये ताबीज तुम्हें कहां से मिला? ये जब मैं छोटी सी थी तो शकरिया नामी भील ने मुझे दिया था। बापू ने क्या है तुम्हारे पिता का नाम? भुजबा महाराज, भुजबा महाराज हमारे अंदाता, तो तुम उनकी लड़की हो। मुझे माफ करना सोनी, भगवान के लिए मुझे माफ करना, लेकिन रहना हुआ क्या? कुछ नहीं बहन, सरकार मैं सोनी को अपने हाथ से दुल्हन बनाऊंगी, इसका ब्याह तुम्हारे साथ रचाऊंगी, तुम दोनों को अपने साथ बंबई ले चलूंगी। मगर राया के किस्मत में सुख और चैन था ही कहाँ। राया एक कानून से भागा हुआ मुजरिम था और पुलिस दिन रात उसकी तलाश में घूमती फिरती रही। एक दिन बात करती है। तो ये जल्दी से गीले कपड़े बदल डालो, कैसे भीगे ये कपड़े? मैं जुआ खेल रहा था, झगड़ा हो गया, मुझसे एक आदमी का सिर फट गया, इसमें पुलिस आ गई और मैं भागा। क्यों बेकार ऐसे लोगों में बैठते हो,
जहाँ हरदम पुलिस का सामना होने का डर हो। मैं बच्चा नहीं हूँ, अपना अच्छा बुरा खूब समझता हूँ। मैं एतराज थोड़ी ही कर रही हूँ, सिर्फ इतना पूछती हूँ, क्या बाप का घर में दिल नहीं लगता? घर? मेरा घर है ही कहाँ जो दिल लगे, इसे तुम घर कहती हो? इस काल कोठरी में मेरा दम घुटता है, मुझे चाहिए खुली हवा जहाँ मैं आजादी से सांस ले सकूं। आखिर तुम्हें हो क्या गया है, क्यों मुझसे नफरत होती जा रही? 10 दिन के बाद घर में कदम रखा और फिर उपदेश देना शुरू कर दिया। लाख मरतबा तुझे कहा है कि मेरा मामला तुम्हें मत बोला कर। राया हुकूमत करने के लिए पैदा हुआ है, हुक्म सुनने के लिए नहीं। मुझे दौलत चाहिए, पैसे चाहिए, है तेरे पास कुछ? आज ही तनख्वाह मिली है, बीड़ी वाले ने 30 रुपए दिए हैं। 30 क्यों, 50 चाहिए थे? पिछले महीने तुम्हें जरूरत थी, हाथ पैर चोट कर 20 रुपए ले आई थी, फूस ने काट लिए। 10 रुपए तो रहने दीजिए, अनाज वाले को देने, दाल रोटी का सहारा रहेगा। मैं हलवा पूरी खाने वाला, मुझे दाल रोटी से क्या मतलब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। क्या हो गया है तुम्हें, क्यों इसे तंग करते हो? मैं इसे तंग करता हूँ तो ले जाओ इसे सदर को अपने माँ बाप के पास, आनंद बाबू के पास। सोने सोने, तू क्यों नहीं मुझे संग दिलावर और बुरा समझ कर धुतकार देती? क्यों नहीं मुझे छोड़कर चली जाती? क्यों नहीं मेरी सूरत से बेजार हो जाती, नफरत करती? काश मेरे दिल की बात समझ सकती, काश कोई दूसरा रास्ता होता, तरीका होता जिससे मैं तुझे समझा सकता कि मुझे छोड़ देने में तेरी भलाई। ये सोनी,
समझाती क्यों है? क्यों ये अपनी जिंदगी उसके लिए खराब कर रही है? मैं तो इसे समझाते समझाते थक गई, इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाया। आनंद बाबू कुछ भी कीजिए, लेकिन आप इसको यहाँ से ले जाइए। देख बहन, अब हमारा यहाँ गुजारा नहीं होता, इसलिए हम आकाशगढ़ जा रहे हैं। फिर तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? आनंद बाबू, मैं सजलपुर जाऊंगी। आँखों की नींद ले गया,
बेदर्दी बालम हो मुहे दगा दे गया मेरी आँखों की नींद ले गया बेदर्दी बालम हो मुहे दगा दे गया जब जब तेरा ध्यान साजनों करूँगी मैं छुप छुप दुनिया से आहे भरूं मैं आप गया मेरा चैन ले गया मेरा चैन ले गया मुझे दगा दे गया मेरी आँखों की नींद ले गया बेदर्दी बालम मुझे दगा दे गया हमको सताएंगे दे हमको सताएंगे तेरे जपाए पिया हमें याद आएंगे और हमें याद आएंगे दुख देके कोई मेरा चैन ले गया मेरा चैन ले गया मुझे दगा दे गया मेरी आँखों की नींद ले गया बेदर्दी वालों मुझे दगा दे गया सोनी को जितना भूल जाना चाहता हूँ वो आज मेरे करीब आती जाती है तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं चले जाते उसके पास अब मेरे दूर रहने में ही उसकी भलाई है रायना मुझे तेरा सहारा चाहिए सरकार हाँ रायना तेरी मोहब्बत में खोकर मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ रायना नहीं नहीं आप एक औरत के दिल की हालत को नहीं समझ सकते अगर तू ऐसे नहीं मानेगी तो मैं हमेशा के लिए तुझे ये क्या बचपन है जिसने तुम पर हाथ उठाया उसे जाने दे उसको इस खून की कीमत अपने खून से देनी होगी नहीं तुम मेरा ये जख्म तो देख सकते हो लेकिन जो जख्म उस बेचारे के दिल में नासुर बनकर रह गया है वो तुम्हें नजर नहीं आ सकता अगर तू अपने खानदान का बदला माने खानदान की इज्जत का सौदा करके लेना चाहती है तो ये शर्म मुझे शर्माना चाहिए शर्म तो तुझे आना चाहिए तुझे बेहया बेशर्म ये नाटक अब मुझे नहीं सुनना I'm not